आ, क्या है तुझे? ना लायर, क्यों चिमटी काटी इसने मुझे? चिमटी निकाली बिट्टू ने, चिमटी मैंने। दोस्तों, काफी टाइम से हम एक शानदार फिल्म का इंतजार कर रहे थे। फाइनली हम सभी का इंतजार खत्म हुआ और बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे दी फिल्म मुंजिया ने, जो कि एक सुपर नेचुरल कॉमेडी हॉरर फिल्म जिसमें अभय वर्मा और सरवरी जैसे बेस्ट एक्टर नजर आते हैं, जिनकी एक्टिंग आपको हंसा हंसा कर पागल कर देगी। वहीं बात करी जाए मुंजिया की, तो मुंजिया आपको एक ही अलग जर्नी का एक्सपीरियंस कराएगा जिसमें कॉमेडी प्लस हॉरर दोनों रहेगा और ये सब देखने में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। फिल्म आपको कहीं पर भी बोर नहीं करती, फिल्म आपका एंटरटेनमेंट शुरू से लेकर आखिरी तक करती है। इसमें फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा स्मूथ है और इतना अच्छा रखा गया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिल्म कब खत्म हुई और कब स्टार्ट। दोस्तों, फिल्म के अंदर आपको हंसी भी आएगी और दर्द भी महसूस होगा और ये मिक्सअप आपको पहली बार देखने को मिलेगा। मैडॉक फिल्म में मुंजिया का CGI बहुत शानदार किया है, जो कि बिल्कुल रियल नजर आता है। इस मामले में मेडिकल स्टूडियो की दाद देनी पड़ेगी। फिल्म में अभय वर्मा ने मेन किरदार निभाया है, जो कि आपको हंसाने के लिए काफी है, पर सोने पे सुहागा सत्यराज का किरदार जो कि वाकई में इंटरेस्टेड है। फिल्म में मोना सिंह का कैरेक्टर एक माँ का है, जो कि अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से निभाते हैं। हाईलाइट तो मूवी में आजी और बिट्टू का बॉन्ड है, एंड द सीन्स दैट शोकेस द बॉन्ड बिटवीन आजी एंड बिट्टू थ्रू आउट द मूवी आर जस्ट वाओ। फिल्म में आपको बस वाला सीन काफी शानदार नजर आएगा, जो कि आपको काफी हंसाने वाला है। वहीं मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको शॉक कर देगा, वाकई में शानदार है। म्यूजिक आपको एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस है। मैडॉक की हर मूवी में एक एंड में सरप्राइज होता है कि जो अगर बता दिया जाए तो मजा खराब हो जाएगा। मुंजिया एज अ कैरेक्टर इज अ लेजेंड, क्योंकि ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ इंडियन सिनेमा। वैसे तो दोस्तों, इस फिल्म की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है और फिल्म वाकई में शानदार है। और फिल्म देखने के बाद में नहीं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस बार ये फिल्म बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि फिल्म के डायरेक्शन शानदार हैं, जो कि आपके परिवार और दोस्तों का काफी एंटरटेनमेंट करती है, जो कि आपको हिला के रख देगी, जिससे ये कहना कंफर्म है कि अब ये फिल्म मुंजिया बॉक्स ऑफिस पर एक काफी बड़ी सुपर हिट होने वाली है। और जब ये फिल्म सभी के बीच में रिलीज हो चुकी है, तो अभय वर्मा और सरवरी के फैंस इस फिल्म को एक काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाने में पूरा साथ देंगे। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई, आपको आई या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मुंजिया फिल्म को आपकी नजदीकी सिनेमाघर में देखना ना भूलिएगा।